खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और 7i न्यूज को सब्सक्राइब करिए। आम चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सप्ताह के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार की मजबूत शुरुआत हुई। सेंसेक्स 70.14 अंकों की तेजी के साथ 36,741.97 पर, जबकि निफ्टी 33.35 अंकों की बढ़त के साथ 11,068.75 पर खुला। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स में 325 अंक तक की बढ़त दर्ज की गई। बता दें कि रविवार को चुनाव आयोग ने लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। 7 चरणों में होने वाले आम चुनाव में पहले चरण के लिए 11 अप्रैल और अंतिम चरण के लिए 19 मई को वोट डाले जाएंगे, जबकि वोटों की गिनती 23 मई को होगी। सेंसेक्स की शुरुआती कारोबार में वेदांता, कोल इंडिया, SBIN, ONGC, हीरो, मोटोकॉर्प, भारती एयरटेल, एक्सिस बैंक, रिलायंस, ICICI बैंक, HUL और टाटा स्टील के शेयर मजबूत रहे, जबकि TCS और इंडस बैंक के शेयर में गिरावट दर्ज की गई। इससे पहले शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार की 4 दिनों की बढ़त पर ब्रेक लग गया था। बीते सप्ताह 4 कारोबारी दिन में शेयर बाजार 700 से ज्यादा अंक मजबूत हुआ था, लेकिन शुक्रवार के कारोबार में सेंसेक्स 53.99 अंक यानी 0.15% घटकर 36,671.43 अंक पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी भी 22.80 अंक यानी 0.21% लुढ़क कर 11,035.40 अंक पर रहा। बता दें कि बीते सोमवार को महाशिवरात्रि की वजह से शेयर बाजार नहीं खुले थे। सोमवार को डॉलर के मुकाबले रुपए की शुरुआत बढ़त के साथ हुई। रुपए 15 पैसे की बढ़त के साथ 70.00 के स्तर पर खुला। इससे पहले पिछले कारोबारी दिन यानी शुक्रवार को रुपए में 15 पैसे की गिरावट आई थी और यह 70.14 के स्तर पर बंद हुआ।